श्रीमान नाराम राम जी फिड़ोदा पूर्व प्रधान मुंडवा से अनुरोध है कि आप मंच पर गदा रहे। श्रीमान नाराम राम जी फिड़ोदा पूर्व प्रधान मुंडवा आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर गदा रहे। श्रीमान धन्याराम जी सांगवा पूर्व सरपंच साहब साडोगढ़ से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर गदा रहे। साथियों माननीय नेताजी का हेलीकॉप्टर आप सब लोगों को दर्शन के लिए भी पी रहा होगा और ये बहुत जल्द हर्षोल्लास की धरती पर एक काउंट करके आप लोगों के बीच हेलीपैड पर उतरने वाला है। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया व्यवस्था बनाए रखे, व्यवस्थाओं में सहयोग करें और माननीय नेताजी को जब तक सभा स्थल पर पता रहे तब तक आप सभी लोग सभा स्थल पर बैठने का कष्ट करें। युवा साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप व्यवस्थाओं में सहयोग करें और अपना अनुशासन का परिचय दें। जो भी बुजुर्ग लोग उधर बैठे हैं कुर्सियों पर उनसे मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया आप सभा स्थल पर विराजने का कष्ट करें। जो बुजुर्ग लोग यहाँ कुर्सियों पर विराजमान है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप कृपया सभा स्थल पर विराजने का कष्ट करें। तमाम मातृ शक्ति से मेरा अनुरोध है कि आप सभा स्थल पर विराजने का कष्ट करें। माननीय नेताजी का हेलीकॉप्टर बहुत ही शानदार तरीके से आकाश में चक्कर लगाता हुआ
पुलिस के साथियों से निवेदन है कि कृपया डी एरिया खाली करवाएं। जो भी साथी इधर खड़े हैं उनसे अनुरोध है, जो भी साथी हेलीपैड के साइड में खड़े हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया पंडाल में विराजे, सभा स्थल पर विराजे। जो भी साथी साथ में खड़े हैं वो सभा स्थल पर बैठने का कष्ट करे। आज जो भी साथी इधर साइड में खड़े उनसे मेरा अनुरोध है, साथियों से अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया सचेतता का परिचय दे, समझदारी का परिचय दे। आप नेताजी समर्पित कार्यकर्ता है, कृपया पंडाल में विराजने का कष्ट करें, कृपया पंडाल में विराजने का कष्ट करें। हजारों साथी अभी हेलीपैड के पास में खड़े हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप कृपया वहां से सभा स्थल पर पधारने का कष्ट करें। पुलिस वाले भाइयों से अनुरोध है कि जो साथी हेलीपैड में खड़े हैं उनको कल में सभा स्थल पर भेजे, वहां से हटाने का काम करें। स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के उभरते हुए युवा नेता माननीय श्री चंद्रशेखर जी आजाद साहब का स्वागत करेंगे। हरसौल और ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान दिलीप सिंह जी पोसवाल गुर्जर, आपसे निवेदन है कि आप माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब का तपा बना करके स्वागत करें। माननीय श्री चंद्रशेखर आजाद साहब का माला पहना करके स्वागत करेंगे श्रीमान देवर राम जी देवासी हरसौला। दिलीप जी के द्वारा माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई का स्वागत करते हुए श्रीमान गेवर्जी देवासी चंद्रशेखर साहब का माला पहना करके स्वागत करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हम सब के अजीज नेता माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा पहना करके स्वागत करेंगे जनाब हकीम खान जी हरसौलाओ। श्रीमान हकीम खान जी हरसौलाओ से अनुरोध है कि आप माननीय नेताजी का साफा पहना करके स्वागत करें। श्रीमान जालूनाथ जी पूरी सरपंच कड़वासरों की ढाणी से अनुरोध है कि आप माननीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का माला पहना करके स्वागत करें। युवा साथियों से मेरा एक बार पुनः अनुरोध है, आप लोग समझदार हैं, जानकार हैं, नेताजी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, कृपया यहाँ सभा स्थल पर पधारे, सभा की शोभा बढ़ाए। जब आप लोग हजारों हजार की संख्या में अपने कीमती समय छोड़ करके यहाँ पधार ही गए तो कृपया अपना एक अनुशासन का परिचय दें और अनुशासित तरीके से सभा स्थल पर पधारे। तमाम युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया आप सभा स्थल पर बैठने का कष्ट करें। मेरा एक बार पुनः आप सभी से हाथ जोड़ करके अनुरोध है, तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप नीचे
नीचे जाकर के युवा साथियों को बैठने के लिए अनुरोध करें। महत्ता की लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती इंदिरा देवी बाहू स्वागत करें। स्वागत करें श्रीमान दयाल सिंह जी औलाद। श्रीमान रामन्यास जी से निवेदन है कि आप एमएलए साहब का माला पहना करके स्वागत करें। श्रीमान रामन्यास जी उद्बोधन की कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा नोरता की लोकप्रिय विधायक श्रीमती इंदिरा देवी जी बावरी से कि आप पधारे और अपना उद्बोधन पेश करें। राम राम सा बोला तेजाजी महाराज की बोला राम सा पीर की। आज आपके बीच में मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला और किसान के बेटा हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर जी भाई साहब और सम्मानित मंच सामने विराजमान सभी हमारे पितातुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आपको इतना निवेदन करूं कि आप लोग अब की बार हनुमान बेनीवाल जी को आप लोगों ने सबने 36 करोड़ के लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूं कि अब की बार आपको आरएलपी पार्टी को भारी मतों आपको जिताना है और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। वैसे फ्यूचर की जनता वैसे भी मजबूत है और अब की बार आपने भारी मतों आपको आरएलपी को जिताना है और गांव गांव डानी डानी आपको प्रचार करना है, घर घर आपको घूमना है। जब हमारी भी जरूरत पड़े तो आप मैंने भी बुलाओ, मैं आपके बीच में घर घर डानी डानी आपके बीच में घूमू। वैसे हनुमान बेनीवाल जी आज फ्यूचर की जनता के वास्ते जब आपको पसीनों में है जब आपको खून भारी है तो आप लोगों सबों मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आप लोग अब की बार मजबूती आपको चुनाव लड़ना है और मजबूती के साथ गांव गांव डाली डाली आपको घूमना है। वैसे दूसरी पार्टियां और भी आपके बीच में आई और आपने वोट भी मांगी अपील भी करी पर आपको अब की बार विकास का नाम पर वोट देना है। विकास आपके फ्यूचर की जनता के कोई विकास की कमी नहीं है, आपको अब की बार मजबूती रखनी है। और मैं बावरी समाज के मैं बावरी समाज की बेटी हूँ, बावरी समाज के लोग जो भी आए उनको मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मारवाड़ विधानसभा में पार्टियां और भी है कांग्रेस और बीजेपी पर आज बावरी समाज को कोई टिकट नहीं दिया। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग अब की बार आपको मजबूती रखनी है, दोनों पार्टियों को आपको अब की बार सबक सिखाना है कि बावरी समाज भी गोपालगढ़ नेड़ता और जेतन हर जगह बावरी समाज का वोट देंगे पर आपको कोई नहीं समझा और आज तक नहीं बावरी समाज को टिकट दिया। बता दो हाथ खड़ा करके कोई दिया तो बताओ आप, नहीं दिया। आपको समझना है सोचना है अब की बार आरएलपी पार्टी को भारी मतों आपको जिताना है। वैसे बावरी समाज का नाम और रोशन आपने कर दिया नेड़ता से, हनुमान बेनीवाल जी ने नई पार्टी भी बनाई और टिकट भी दिया और आपके आशीर्वाद में और भी दिया और आपके आशीर्वाद हनुमान बेनीवाल जी मजबूत नेता है, किसान और जवान की लड़ाई लड़े दिन और रात आपके लिए संघर्ष करे। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, 36 कौम के लोगों से मैं प्रणाम करती हूँ, आप अब की बार मजबूती रखनी है, हनुमान बेनीवाल जी को भारी मतों आपको जिताना है और विकास की कोई कमी है तो आप लोगों से माफी चाहूं। अब की बार सारी आपकी कमियां है, सारी आपकी कमियां अब की बार पूरी करावा। धन्यवाद। राम राम सा।
के पूर्व प्रधान श्रीमान मेहरान जी भिड़ोदा साहब आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद का माला पहना करके स्वागत करेंगे। कड़ी में मैं निवेदन करूंगा फ्यूचर के विधायक माननीय श्री नारायण जी बेनीवाल साहब का कि आप अपना उद्बोधन पेश करें। बहुत ही शानदार तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा बहुत बड़ी 51 किलो की माला पहना करके स्वागत करते हुए आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद और आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का बहुत ही शानदार तरीका उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा नारायण जी भाई साहब से कि आप अपना उद्बोधन पेश करें। मैं निवेदन करूंगा भंवरलाल जी यूनियन के अध्यक्ष भंवरलाल जी से कि वो मंच के ऊपर विराजमान हो। भंवरलाल जी गोटन हर्षगांव की इस पावन धरा पे आज के इस विशाल कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित परम आदरणीय एमपी साहब भाई चंद्रशेखर जी आजाद और सम्मानित मंच सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं आप सबने कि बड़ी संख्या में आप आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन ने आशीर्वाद देने वास्ते आप आया हो। एक बार मैं दिल की कह रहा हूँ आप सबको धन्यवाद ज्ञापित निवेदन आप करूं 25 तारीख का बोतल का चुनाव चुनमा तो बोर्ड दे और आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग हनुमान जी बेनीवाल मजबूत करिए। मैं एक निवेदन हमेशा हर गांव में अभी आप मीटिंग रखे हनुमान जी ना कियो कि हनुमान जी आप और चंद्रशेखर जी तो पूरा राजस्थान संभालो और क्यूसर विधानसभा का प्रत्येक गाँव में मैं सब लोग हनुमान बेनीवाल बनर गाँव गाँव डाणी डाणी तय थे अम्बेडकर को जो जुड़ो अपन मत को अधिकार है ये अधिकार के साथ साथ अपन बहुत सारा कर्तव्य भी जुड़ा है। मैं कर्तव्य ने अपन समझ पड़ा और मत को दान सही व्यक्ति ने अपन करना है तो मैं निवेदन करना आपके बीच आयो हूँ। समय का अभाव है और आगे भी मुख्य वक्ता दोनों आप सब लोगों ने बोला देवला मैं तो इतना निवेदन आप सबको करूं कि 25 तारीख का प्रत्येक व्यक्ति ने हनुमान बेनीवाल बन पड़ो और बोतल का चुनाव चिन्ह में ज्यादा से ज्यादा वोट और आशीर्वाद आप लोग दे और विजय बनाइयो। आपको बहुत बड़ो ऋण मारा परिवार मत है 1977 ले रहा आज तक 46 साल तक आप मारा परिवार ने दोनों हाथों पूरा आशीर्वाद दियो। अब ये मौको बहुत बड़ो है कभी ऋण ने मैं ब्याज सहित उतारा अब क्या 57 महीने आपकी भागीदारी सबकी वेली साहब भाई चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान जी बेनीवाल को हेलीकॉप्टर घूमियो राजस्थान के महीने बहुत बड़ी व्यवस्था लड़ाई लोग लड़ रहे हैं आपका सब लोगों ने मिल और हम दोनों किसानों का बेटा ने बहुत मजबूती आप सबको देनी है वो निवेदन कर और आप सबका उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित कर और मैं हमारी वाणी ने विराम दूं। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद। बोलिए भूरिया बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। उद्बोधन की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के सबसे जुंजारू नेता हर दिल अजीज हम सब के महबूब नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब से कि आप अपना उद्बोधन पेश करें। तो फ्यूचर विधानसभा क्षेत्र के फ्यूचर थाना के
हमारे पांच छह ये बहुत बड़ा दुखद समाचार हम सब के लिए कि छह किसान के बेटे जो फ्यूचर थाने के अंदर पुलिसकर्मी थे, एक अधिकारी थे, तड़के सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। मैं कार्यक्रम पोस्टपोन कर रहा था, लेकिन आपकी भावनाएं जो चले गए वापस नहीं आ सकते। हम मिलकर सब लोग उनको नमन करते हैं, ईश्वर उनको उनकी आत्मा को अपने यहाँ पे कदमों में अपने चरणों में श्री स्थान दे और उनके परिवार को संबल दे। जो भी बाकी बातें होगी वो हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन ये प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए और विशेषकर मेरे लिए सबसे दुख की बात है। जहां से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई, इतनी बड़ी दुर्घटना जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आनंद फान में रैली हो रही है, नींद नहीं ले पा रहे लोग सारे, और उसकी वजह से मैं नमन करता हूँ इन सबको। और आपको भी इस मामले पे, चाहे आप खड़े नहीं, हम लोग खड़े हो जाते मंच पे, भाई साहब एक बार मंच पे खड़े होकर हम एक मिनट का आप इनको खड़ा क्यों करो सर, पूरे साल एक हम मौन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हमारे उन भाइयों को जो किसान के बेटे थे, दलित के बेटे थे, और हमेशा से आप सबकी मदद उन लोगों ने की। वो ठीक है, एक घायल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सुख स्वस्थ होकर अपने घर के रूप। आज की चुनावी सभा में पंचासीन मेरे छोटे भाई और देश के अंदर दलित शोषित किसान कमेरे और मजरूम की आवाज चंद्रशेखर जी आजाद, नेता की विधायक मैं इंदिरा बावरी जी, सिंहसर के विधायक छोटे भाई नारायण, मुंडवा के पूर्व प्रधान नाराम जी और सारे सरपंच गण, क्योंकि नाम अगर एक दो रह गया तो चुनाव बड़े नुकसान हो सकता कि 20-25-30 में जो सारे सरपंच गण, सबको नमस्कार प्रणाम सब लोगों को। और हमारे दोनों गेवर जी देवासी, देखा आपने उपचुनाव में फायदो करिए बहुत बड़ा, और गाना भी चलिए गेवर जी हमें ध्यान देना पत्ते गेवर जी सांगवान वरिष्ठ, दोनों वरिष्ठ नेता जी हमेशा मेरे परिवार पर मुझ पर आशीर्वाद देते। सम्मानित मंच RLP आजाद समाज पार्टी का पूरा परिवार उपस्थित, मोदी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चे, मैं आपके बीच आज लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्या अगर रात को लेट हो जाते हैं फिर 4-4 घंटे सड़क से जाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर पर ही उठ जाते हैं। तो आज ज्यादा बात चंद्रशेखर जी आजाद कहेंगे, यहाँ पे 5 मिनट के अंदर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। 5 मिनट बाद आप घड़ी देख लेना, 5 मिनट बाद बंद करूंगा। मैंने आज जो मेरी राजनीतिक शुरुआत, आप जो मुकाम मंदिर मुझे आशीर्वाद, इस इलाके का सबसे बड़ा योगदान है, इस मेरता की इन 8 पंचायतों का सबसे बड़ा योगदान है। मेरे पिताजी 77 में पहली बार विधायक बने, जब मुंडवा विधानसभा क्षेत्र था, 2008 में फ्यूचर था, जब मुंडवा बना मेरे पिताजी को विधायक बना और फ्यूचर बना तो मुझे विधायक बना के आप सबने राजस्थान की विधानसभा के अंदर शुरुआत हासिल की। और ये 12 पंचायत 2008 तक ये मुंडवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होती थी, पर ये मेड़ता पंचायत समिति की 12 पंचायत थी।
जो आप 8 पंचायतें क्यों चिंतित करते हैं, यहाँ हमेशा 40 साल के अंदर तो 12-13 चुनाव विधानसभा लोकसभा के मेरे परिवार ने लड़े, हमेशा आपने हमें जीता के यहाँ से भेजा, कभी पीछे नहीं रखा, बारंबार आपको धन्यवाद। जिस जगह खड़ा मैं हौसलाओ दमया का वोट का रेशियो देखते हैं तो हौसलाओ करवा चुनाव उठानी अलग पंचायतों की भर्ती उठानी अलग, पहले 4-5 पंचायत एक साथ थी, अभी अलग है, अब हौसलाओ पंचायत है। इसके अंदर मेरे समाज के वोट की बात करूं वो तो 400-450 होना मुश्किल थे, लेकिन दूसरे लोग 1500 ज्यादा अलग से वोट डालते हैं, जिसमें मेघवाल डालते हैं, प्रजापत समाज के, सिलावट समाज के लोग डालते हैं, देवासी समाज वोट डालता है, बावरी समाज वोट डालता है, राव समाज वोट समाज डालता है, गुजर जो सबसे ज्यादा संख्या गुजर बावरी गुजर समाज डालता है, डालता है बढ़िया महाजन डालते हैं, ब्राह्मण डालते हैं, सर्व समाज को समाज को ना सर्व समाज चुनाव में 43 साल में वोट देने का एक काम कर रहे हो, मुझे कभी परेशान आपने नहीं किया, मैंने प्रयास किया आप लोग यह विकास क्रांति चली, शिक्षा की क्रांति अगर किंचन नागौर के अंदर आई, आज शिक्षा का हक बनने जा रही है जिला, मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। 1998 के अंदर मैं अध्यक्ष पद से उठने के बाद पहली बार आया था, मुझे पता है या लोग कहते थे कि पटार कहीं करो कैमरा में घुमाओ छोटी कहीं करो 25 साल के अंदर मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन हमारे नेताओं की सोच अगर ठीक होती है, इस इलाके में सिंचाई का पानी आ जाता है, नहर आ जाती है, कॉलेज विश्वविद्यालय स्कूल खुल जाते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के जर्मनी इंग्लैंड अमेरिका के अंदर वहां पढ़ने जाते, पढ़ लिख के बहुत अच्छे पदों पर जाते, दुर्भाग्य कानून राजस्थान के अंदर पार्टी बनाई किसान को किसान तकलीफ में था, सेना को ठेके पे दे दिया, इसी आपके सांसद ने मोदी को चुनौती दी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया आ रहे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ मोदी जी, और 25% अग्निवीर को चेंज करा के वो 50% सेना में भर्ती की बात कराई। विश्वास दिलाता हूँ सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर भारी वोटों से हमारी सीटें जिताओ, सर जिताओ, मेड़ता जिताओ, भोपालगढ़ जिताओ, बिलाड़ा जिताओ, जायल जिताओ, परबत सर, मकराना, बाड़मेर की सारी सीटें, जोधपुर की सीटें जीत रही है, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, आपके जहां जहां जा रहे हैं लगातार, और आजाद समाज पार्टी ईस्टर्न राजस्थान में भारी बढ़त के साथ चल रही है, हम 1 और 1 11 हो गए, 2 हो गए, पहले अकेला लड़ता था, अब एक मेरे भाई आ गए, हम 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, वैसे लड़ता हुआ भी आपने हमें ही देखा होगा, मैं रोज देखता था, कोई घटना होती चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते थे, चाहे जीतन मेघवाल का मामला हो, मूछ रखने पे जिसकी हत्या कर दी, चाहे इंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे आपके ये अपने ओम प्रकाश बेरवा का मामला हो, क्या नाम था उनका, ओम प्रकाश रेगर का मामला हो, जिसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि मेरा अंतिम संस्कार चंद्रशेखर आजाद करेंगे, प्रदेश के अंदर हर समाज के लिए लड़ने के लिए आए, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो जंतर मंतर पे, चाहे किसानों का मामला हो, हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचा, और दूसरा योद्धा अगर राजस्थान में कोई लड़ता हुआ नजर आया तो चंद्रशेखर आवाज दलित शोषित पीड़ित के लिए हमेशा लड़ते हुए नजर आए, कई बार जेल भी गए लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, लोगों की इच्छा थी हम दोनों का गठबंधन हो, आपकी इच्छा पूरी हुई, हमने गठबंधन भी कर लिया और साथ में राजस्थान के अंदर वोट भी मांग रहे हैं, हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, 130 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, हम आह्वान सोशल मीडिया के माध्यम से वोट की अपील भी करेंगे, ज्यादातर सीटों में जाएंगे, 6-7 से ज्यादा रोज प्रोग्राम नहीं होते, आप जानते हैं रात को हेलीकॉप्टर उड़ते नहीं है, 5:30 बजे लास्ट उड़ता है, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास तो हेलीकॉप्टर का जुगाड़ भी बड़ा मुश्किल से हुआ सिंगल इंजन का, अगर ये 4 महीने पहले हो जाता तो अभी तक तो बहुत बड़ा तूफान मच जाता, ये गठबंधन में हम 6 महीने पहले दोनों बैठकर तैयारी कर लेते बहुत कुछ होता, लेकिन
दो ध्यान रखना एक बार फिर कहेंगे अभी दो तीन कह रहे हैं हनुमान जी आपने मेरे गुस्सा छोड़ दिया मैंने गुस्सा बंद ही कर दिया कोई मतलब तो है नहीं कल दो तीन जगह मंच पर गए तो 15 लोग मंच पर गए मंच छूटते छूटते बचा क्यों खबर बना रहे हो ये तो एलेव टाइम बच्चे वो और ये प्यार नहीं मिलता है कांग्रेस घूम रहे हैं तो कोई के लिए खाली रहती है और मुझे एक बात का धन्यवाद दो मोदी को मोदी कहता था जब मैंने तेजा जी के जयकारा लगाया लोकसभा में तो मोदी गायों के लिए लड़े 1000 साल पहले वचन के पक्के थे अब देख लो सर झुकाए नहीं झुकाए वहां पे हां तो फिर ये मेरा ही संघर्ष है 4 साल पहले तो मैं उनका नहीं था हनुमान बेनीवाल का था और मैं पिछले सालों में जो सरकार ने किया आप बताइए राजस्थान का क्या पेपर लीक की घटना बजरी माफिया का आतंक बहन बेटी अबला की चीख पुकार बलात्कार की घटनाएं छोटे भाइयों के हाथ में बंदूक दे दी एक दूसरे को मार रहे हैं नशा बढ़ रहा है बेरोजगारी बढ़ रही है हर तरफ व्यक्ति मानवीय रिश्तों को भूल के स्वार्थ में अंधा होके भाग रहा है उसका कारण ये सरकारों का गठबंधन है वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जिसने 25 साल के अंदर राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया ये शांत राजस्थान जहां लोग उदाहरण देते थे लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते थे इसी राजस्थान की ये वैल्यू हो गई कि सेंट्रल हॉल के अंदर जब मैं बैठता हूँ तो देश के एमपी कहते हैं कि हनुमान जी डिग्री की क्या रेट है आपके यहाँ जरा बताएं इससे बड़ा क्या अपमान होगा आप बताओ डिग्री की रेट पूछ रहे मार्कशीट कितने में मिल जाएगी आपके वहां पर ये जो हालात है इसके लिए कौन जिम्मेदार है आप तो आपके सामने मैं भाषण इसलिए नहीं दूंगा आप तो मुझे ही जीता रहे हो हमेशा नई बात क्या आप तो वोट डाल ही रहे हो और आप मुझे वोट डाल रहे हो कांग्रेस बीजेपी को हरा रहे हो तो मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ कहीं कांग्रेस बीजेपी वालों के साथ सत्ता में शामिल थोड़ा ही हूँ मंत्री पदों को 2003 से लेकर आज तक ठोकरे मार जिसने मंत्री पदों को ठोकर मारी और संतरी बन के आपकी सेवा करी वो आपका भाई है जो किसी से डरा नहीं बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया अपने लोगों का ध्यान रखा कईयों का इशारे में ध्यान रखा कईयों का वैसे ध्यान रखा दूसरे तरीके से ध्यान रखा किसी जाति का विरोध नहीं किया आप चुनाव की लिस्ट देखोगे तो इसमें देखोगे कि मेरी लिस्ट के अंदर सर्व समाज है कल गुजर समाज के वोट मांग रहा था दो जगह कल कल में मांगे गुजर समाज जाट समाज सबसे ज्यादा मेघवाल समाज बेरवा समाज खटीक समाज रेगर समाज बावरी समाज भील नाइक समाज यादव समाज मीणा समाज माली समाज दो राजपूत मेरे यहां से प्रत्याशी शिव और मावली से तमाम समाजों को और एससी एसटी का टिकट देखोगे ना उसके अंदर जो 75 लड़ रहे हैं उसमें आधा है बराबर 45-40 के लगभग लड़ रहे हैं 35 के लगभग हनुमान बेनीवाल अगर जातिवादी नेता होता तो इस तरह लड़ता नहीं संघर्ष नहीं करता संघर्ष का इतिहास उठा कर देखोगे तो लगेगा कि हर जाति की लड़ाई लड़ी और सबसे ज्यादा दलितों के लिए कोई लड़ा सड़कों पर हनुमान बेनीवाल है जिसने यहाँ उजाला किया जब 8 में विधायक बना था 70,000 झाड़ियों मंदेरा था क्यों सर के अंदर 6 कॉलेज खुलवा दिए गांव में ही कॉलेज खुलवा दिए अब बचा है तो खाली शायद मेरे हिसाब से सुलाव एक आध ये बचा होगा गोटन के आसपास का इधर भी मौका लगता है अब की बार खुलवा देंगे जैसे ही मौका लगेगा प्रयास करेंगे सड़कें आप देखिए बन रही है सारी सड़कें आप चिंता आपके सारी सड़कें टेंडर भी हो गए बनने में समय लगता है ये बजट के अंदर कराने के जब वो धरातल पाती समझ लो कई जगह क्या होता है कि ठेकेदार बदमाशी करते हैं मैं उनका पीछा करता हूँ
वो ठेकेदार भाग जाता है, वो दूसरों को और कहता है कि क्यों से मैं कॉपी मत डालना, नहीं तो बोर्ड रग निकालेंगे तेरी। तो यह काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। काम गति पकड़ेगा, जो काम हो गया वो चलेगा। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। आप सारी एक एक चीज मेरी नोट कर रहे हैं। एक आपको मेरी नजर आ सकती है, थोड़ी सी कमी गुस्सा जल्दी आता है। अगर गुस्सा नहीं आए ना तो मैं भी कभी कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो जाता, कभी कभी अलग पार्टी बना के चलना और आप सबको साथ लेके चलो। कितनी तेज गाड़ी चलाते हो बताओ मुझे, 150, 160, 170 मेरे से आगे निकलने का प्रयास करते हो। मैं कहता हूँ रुक जाओ, साथ साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ कर आप आगे जाएंगे। हम पहले ये प्रयास करना, आपको साथ बैठना सिखाया। इस इलाके में कितने कत्ल होते थे आपस में बताओ मुझे, आज भी दुर्भाग्य से देखिए कत्ल हमारे ही भोले भाले लोग करते, कोई जाट समाज का करेगा, कोई गुजर समाज का करेगा, कोई मीणा आपस में लड़के करेगा। हमें इन चीजों से दूर रहना है, साथ मिलके नए राजस्थान का निर्माण करना है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया, मेरे भाषण आप रोज सुनते हो, मैं 1 घंटा दे दूंगा। आज चंद्रशेखर जी आपको मेरा बचाव भी सारी बात कहेंगे, क्योंकि अपन इनको आज सुनना है और ये मिलके इस राजस्थान को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हम दोनों मिलके आपको विश्वास दिलाते हैं ये गठबंधन लंबा जाएगा। राजस्थान के बाद हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब और दिल्ली के जो चुनाव होंगे उसमें भी ये गठबंधन दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक कर देगा। अगर आप लोगों ने सही तरीके समझ के वोट दिया और हर नौजवान लग गया भगत सिंह की भूमिका के अंदर और माताएं हमारा नागौर, हमारा राजस्थान, कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन सुख दुख के अंदर आगे खड़ा होता है, कौन पीठ दिखा के नहीं भागा। कई लोग तो पार्टियां बदलने का ही धंधा करते हैं। आप देखे ज्यादातर जो नेता चुनाव लड़ते हैं उन्हें तो किसी का नाम जानते हैं, न किसी गांव को जानते हैं, न किसी के बारे में जानते हैं, हाथ जोड़ना जानते हैं, उन लोगों को पता भी कराएंगे। करो और बोतल के साथ चुनाव लड़ूंगा चंद्रशेखर जी का कि मोदी चाय चाय करता था और ये उसकी केतली ले आए वापस चीन से। जब केतली चली गई तो मोदी के चाय के नाम से तो प्रधानमंत्री बना था। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बोतल पहले से ही मैं ले आया। बोतल और केतली वोटों से भर दो और इस बार हमें और मजबूती दो। वैसे मैं अब यहाँ ज्यादा भाषण तो ज्यादा से ज्यादा वोट रोज लीड देते जा रहा हूँ। 23, 25, 55, 60 और मजबूती के साथ। कई बार क्या होता है कि सारे लोग फिर टूट के पड़ते हैं, यार ऐसा करो, अपने से तो कुछ हो नहीं रहा है, जो लड़ रहा है ना इसको पकड़ के डाल लो। तो मैं लड़ रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी सारे रणनीति बनाएंगे। क्या की बात करेंगे और मैंने पहले ही आपको कहा था कि चुनाव आप लड़ रहे हो, क्यों सर की जनता लड़ रही है, क्यों सर का नौजवान लड़ रहा है, सर्व समाज लड़ रहा है। मैं गांव गांव नहीं आ पाऊंगा, पिछली बार भी नहीं आ पाया, 3-4 बार आपके बीच आऊंगा। और आपने कहा कि आप जाओ, हम रिकॉर्ड वोटों जिता के भेजेंगे। छोटा भाई जो विधायक है, आप बताइए परिवारवाद, अगर मेरे मन में परिवारवाद की बात होती, अब की बार ईश्वर की कृपा से ठीक लहर चल रही थी आरएलपी की, 3-4 घर से ही लड़ा देता, कौन मना कर रहा, टिकट तो मैं ही तो दे रहा था, घर में दे देता, नारायण को दे देता, मैं 1-4 जगह हम ही लड़ लेते। जैसे लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, खीमसर में भी लड़ रहे हैं, डेगाना में भी लड़ रहे हैं, नागौर में भी लड़ रहे हैं, 4 टिकट तो साथ लेके चल रहे हैं। बताओ आप, है परिवारवाद मेरे अंदर? खीमसर का चुनाव नारायण को इससे लड़ाया था कि आपकी इच्छा थी कि अगर चुनाव नहीं लड़ाओगे तो कांग्रेस के साथ चले। अब आप जिद्दी हो, मेरे से ज्यादा जीत के, तो मैं हमारा पग धीरा हुआ देख लिया। मेरा मन आपके बिना नहीं लगता और आपका मन मेरे बिना नहीं, अपने एक दूसरे के लिए बने। वो एक फिल्म थी ना, एक दूसरे के लिए, तो अपन बने एक दूसरे के लिए। आप सबको धन्यवाद। बाकी बात मेरे भाई आपको मजबूती के साथ बने, मुझे रोज सुनते हो, इनको आज सुनना, आशीर्वाद रखना। हो सकता है कि कांग्रेस बीजेपी की आंधी नहीं चल रही है, तीर्थशंकु विधानसभा में अटक जाए मामला, ऐसे अटक जाए तो आपकी तरफ सत्ता आ सकती है, इस बात का ध्यान आपको रखना। और सत्ता अगर आ गई तो फिर क्या करना जानते हो सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एमपी साहब। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा देश के उभरते हुए नेता, विश्व के 100
संघर्षशील उभरते युवाओं में से एक हरदिल अजीज, देश में स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब को। अगर घर में इतना समय लगा दोगे तो फिर आगे के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे। मैं तो अगर मुझे पहले पता हो जाता कि आज यहाँ मुझे आना है तो मैं इनको कहता कि आप कहीं और काम कर लो, यहाँ तो मैं अपने आप इनसे अपील कर लूंगा। आप इनके बीच के हो, आपने इनके लिए काम किया, ये तो आपके लिए समर्पित है। कौन करता हूं मैं? कोई कुर्सी खाना पता नहीं क्या क्या दे रही है पार्टी लाने के लिए। आप देखो कैसे जम के बैठे हो, एक दूसरे से कंधा मिला के। ये प्यार है आपका, ये प्यार है जो इन्होंने कमाया है, ये प्यार है जो राजस्थान को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संचालक खेवर सर की ये महान धरती। इस धरती से आगे बढ़ के पूरे देश में नागौर का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री जी जो आज हमारे बीच हैं, भाई हनुमान जी बेनीवाल, हमारी यहाँ विधायक मेड़ता की बहन बावरी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी समाज की सारी सरदारी, सभी प्रधान, सभी जिम्मेदार लोग, और जो यहाँ सामने बैठे हमारी माए बहने, हमारे नौजवान साथी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, मैं आप सबका, मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ। चुनाव चल रहा है, खेवर सर के लोगों को तो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी है। यहाँ हनुमान जी बेनीवाल थोड़ा ही लड़ रहे हैं, यहाँ तो आप लोग लड़ रहे हो, आपके स्वाभिमान सम्मान का चुनाव है यहाँ। मैं स्पेशली कहूंगा, शायद आपको नहीं पता, आपके यहाँ बना ही नहीं कोई इस लायक। अगर आपके इस जिले से कोई मुख्यमंत्री बनता तो आपको एहसास होता कि मुख्यमंत्री के हाथ में कितनी ताकत होती। मैं हमने कई कई सरकारें देखी हैं अपने प्रदेशों में जहां हम लोग ज्यादा संघर्ष कर रहे थे पहले, फिर पिछले 5 साल से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नौजवान साथी जानते हैं कि जब भी किसानों पे, नौजवानों पे, कमजोरों पे, गरीब पे, महिलाओं पे कोई भी अन्याय हुआ, मैं बिना बुलाए दौड़े दौड़े चलाया इनके पास और इनको ये विश्वास दिलाया कि अकेले मत समझना। जहां मैं लड़ाई में देर से पहुंचता, मुझसे पहले हनुमान जी बेनीवाल पहुंच जाते। यहां मीडिया के साथी मुझसे भी पूछ रहे थे और वो खुद कह रहे थे अपनी बात में, जनता ने भाजपा और कांग्रेस का कुशासन देखा है। 2 अप्रैल 2018 याद करो, भाजपा का वो राज याद करो जिससे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, और कांग्रेस का भ्रष्टाचार का ये राज, अन्याय उत्पीड़न का राज देखो। इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, कार्तिक भील, तोला गुजर, पूरन रेगर, कितने लोगों को अन्याय के साथ मार दिया गया। और अब मैं श्रद्धांजलि दूंगा, आदरांजलि दूंगा जिन भाइयों की शहादतें हुई, मैं उनको शहीद ही मानूंगा। ये पुलिस के जो साथी हमारे, ये भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा करते, मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा। और जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन सब परिवारों को कुदरत दुख सहने की शक्ति दे और वो परिवार मजबूती से अपने पैरों पे खड़े हो पाए, इसकी भी मैं प्रार्थना करूंगा, जिनकी सड़क दुर्घटना में जो है जान चली गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार के पास सब कुछ होता है, सरकार तय करती है किस क्षेत्र में पानी जाएगा, किस क्षेत्र में बिजली जाएगी, बिजली के दाम क्या होंगे, किसानों की फसल के दाम क्या होंगे, रोजगार किसको मिलेगा, बिजली के दाम क्या होंगे, पेट्रोल के दाम क्या होंगे, डीजल के दाम क्या होंगे, एमएसपी गारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये सरकार तय करती है। और सरकार बनाता कौन है? आप बनाते हैं। ये जो महान जनता बैठी है, आपकी वोट से बनती है सरकार। सरकार बनाने के लिए सबसे मजबूत हथियार अगर किसी के पास है तो वो आपके पास। आपने पहले भी फैसले लिए हैं, लेकिन इस बार राजस्थान की परिस्थिति अलग है। पिछली बार इतना विरोध था भारतीय जनता पार्टी का, तब 100 सीटें जीती कांग्रेस, और उनको सरकार बचा के रखने के लिए अन्य अन्य लोग सरकार इनकी। इस बार कांग्रेस का पूरा हाल है,
इतना बुरा हाल है, ये किसान कमेरों का लाइन हुआ, हमारी सरदारी यहाँ बैठी है, कभी आपने देखा कि आखिरी आखिरी दिन लिस्ट जारी करनी पड़ रही, अपनी लिस्टें छिपा रहे हैं, अपनी लिस्टों को जेब में डाल के घूम रहे हैं, प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस बार जनता पे विकल्प है। पहले जनता मजबूर थी, कांग्रेस से पिटते थे तो भाजपा को वोट देते थे, भाजपा से पिटते थे तो कांग्रेस को वोट देते थे, ठगे जाते थे, हमारी जिंदगी बदले, कभी इनको जिताओ कभी उनको जिताओ, खुद कभी नहीं जीते। आप पता कर लो भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, आप पता करो जान कि आजाद समाज पार्टी आरएसपी गठबंधन है, बड़े बड़े नेताओं की भीड़ नहीं हो रही है सभाओं में, और बाजे बाजे नेता तो सभा कैंसिल करके भाग जा रहा है, और इधर आ जाओ तो कल हम जहां थे उन जिलों के हाल आप पता करके देखो, भीलवाड़ा, उस आसीन कपासन, देवली, उनियारा, ये सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि ये जो गठजोड़ हमने बनाया, इनके संघर्ष को मानने वाले लोग, हमारे संघर्ष को मानने वाले लोग, और जो प्रत्याशियों का चयन हमने किया कि लड़ने वाले हमारे जैसे बहादुर आदमी को हमने टिकट दिया, उनका संघर्ष, मिलजुल के चुनाव तो समीकरण में जीते जाते हैं। इन्होंने पैसे वाले धन्ना सेठों को टिकट दिए हैं, और हमने काम करने वाले किसान गरीबों के बच्चों को टिकट दिए हैं, अपनी बहनों को, नौजवानों को टिकट दिए हैं, क्षेत्र में मान्यता है, जिन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया है। कलम वहां तक कपासन, वहां के हमारे प्रत्याशी ने संकल्प ले रखा है कि जब तक यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, ऐसी सेवा करने वाले लोगों को हमने टिकट दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान का भविष्य आपके हाथों में है। मुझे ये तो पता है कि हम खीवर सर जीत रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, जैसा आज भारत का और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है, आप कितने चाहते हो, कितने लोग चाहते हो भारत जीते, हाथ उठा के बताओ। आज ये भी फाइनल सिटी है जहाँ हम लोग, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल है, ये भी फाइनल सीट है हमारी, मुख्यमंत्री का दावेदार लड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जितनी ताकत से भारत जीतेगा आज, उतनी ताकत से आप भी हनुमान जी बेनीवाल को लीड पे लीड देके जिता के भेजना। कोई मुकाबला नहीं है, ये भी सुन लो, किसी से मुकाबला नहीं, बिल्कुल मुकाबला नहीं है। क्यों मुकाबला नहीं है? कि जब छोटे मियां लड़े तो वो इतनी ताकत से जीते, अब तो बड़े मियां, और सुनो, मेरा इनका गठजोड़ बहुत जबरदस्त है, ये थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे परेशान होके, क्योंकि इनके दिल में आग है अपने लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने, किसानों को, नौजवानों को। आज कहां मिल रहा है नौजवान इतने यहां खड़े? रोजगार के नाम पे क्या खेल हो रहा है राजस्थान में? बसों में बैठ के पेपर लीक हो रहे हैं, और आपने खून पसीना लगा के, मैं अपनी जमीनें बेच बेच के बच्चों को पढ़ाया, और वो बच्चे सड़कों पे परेशान घूम रहे हैं, आवाज उठाने जाते पुलिस लाठी मारती है, आंदोलन करने जाते जेल में बंद कर देती है। सीएचए के भाइयों ने जितनी सेवा की कोरोना काल में, उनकी नौकरियां छीन ली। तृतीय श्रेणी के टीचर परेशान घूम रहे, आसान आंगनबाड़ी बहने परेशान है, मनरेगा के लोगों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है, सब परेशान है, सरपंच परेशान है, वेतन नहीं मिल रहा, सबकी लड़ाई लड़ने का काम ये आरएलपी गठबंधन कर रहा है। आपको जानकर दुख होगा, 70 साल का लोकतंत्र हो गया, आज बहन बेटी आज भी राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। अगर मेरी बात गलत हो तो अपने थानों में जाके फाइल चेक करो, और एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि सबसे ज्यादा महिला अगर असुरक्षित है तो राजस्थान में, और ये वो राजस्थान है जहां बहन बेटियों के सम्मान के लिए बलिदान हुए, जोर हुए। लेकिन आज देखो राजस्थान का क्या हाल बना दिया उन्होंने, क्योंकि इसलिए हो रहा है कि भाजपा और कांग्रेस का मिला जुला जो गठबंधन है, वो नहीं चाहता गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि जब गरीब अपने पैरों पर खड़ा होगा तो इनकी गुलामी नहीं करेगा, इनकी नोटों के आगे अपनी वोट का सौदा नहीं करेगा। मेरे लोगों याद रखना, जिस गुंडे ने दलित समाज के एक अधिकारी को 22 फ्रैक्चर किए, जान से मारने का काम किया, लगभग हर्षाधिपति वाल्मीकि, वो जो एक्शन था 22 फ्रैक्चर किए, सारी हड्डियां तोड़ दी आपके लोग, आपके अधिकारी की, 2 साल से जो खाट पे है, तो संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, और अब जब
चुनाव आ गया, कांग्रेस को लगा कि चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं, अपने लोगों को याद दिलाएगा, ये दलित समाज के लोग हमारा ढक्कन बंद कर देंगे राजस्थान में, तो इन्होंने उसको कहा कि कहीं और से टिकट ले ले, तेरे चक्कर में हम वोट नहीं खोएंगे, तो भाजपा ने उसको टिकट दे दिया। आप सोचो आपकी हैसियत क्या मानते भाजपा कांग्रेस के लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार जब आपका यह खुलेगा बूथ, तो हनुमान जी बेनीवाल मुझे फोन करके बताएं कि इस बार आपके लोगों ने इतिहास लिख दिया। हमारी गाड़ी पुलिस कर पाते, तो हमारे लोग हैं पुलिस मैन के लोग, कहां है पुलिस में? सब हमारे लोग हैं, जो आज जिनकी जो लोग जिनकी जान चली गई देख लो ना कौन है, सब हमारे किसान तो मेरे बेटे हैं, और कौन है उनको हमारे खिलाफ खड़ा कर हम ही हाथ जोड़ लेते हैं कि तुमसे क्या लड़े हैं? भेजो मुख्यमंत्री को, फिर बताएं लड़ाई किसे कहते हैं। भेजो ताकतवर लोगों को जो गरीबों पर शोषण करते हैं उनको भेजो, फिर उन्हें बताएंगे लड़ाई किसे कहते हैं, अपनों से क्या लड़े। इसलिए आपसे कह रहा हूं, ना इधर देखना ना इधर देखना, किधर देखना? बोतल का चुनाव निशान है, उसकी डांट ना भर दो इतनी वोट भर देना उसको, दोबारा कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ही ना करे। बस ऐसा इंतजाम इस बार आप कर देना और मेरे हाथों को मजबूत कर देना। और मैं ये विश्वास से कह रहा हूं, इस बात पे मीडिया भी गौर कर ले, और मैं वही बात बोलता हूं जिसको मैं देखता हूं, हवा में नहीं बोलता। हाँ, गठबंधन इतनी सीटें जीत रहा है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, और हमने तय कर लिया है कि इस बार हम हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान की सत्ता सौंपने जा रहे हैं। जब आपके परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, आप बताओ क्या आपको किसी के दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार करना पड़ेगा क्या? किसी सरकारी दफ्तर में फाइल लेके खड़े होना पड़ेगा क्या? ये अधिकारी कर्मचारी आपके घरों पे आएंगे और कहेंगे बताइए ना सर क्या काम, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या मैं कह दूं हनुमान जी बेनीवाल को कि खीवर सर दोबारा ना आए, ये जनता अपने आप लड़ लेगी चुनाव, आप औरों को लड़ा लो। मैं 36 कौमों की सरदारी से कह रहा हूं, ऐसा मौका और किसी विधानसभा के पास नहीं है जितना ऐसा आपके पास, तो ऐसा इतिहास लिखो जिसको लोग याद रखें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस प्यार को और तेज करो, जो नाराज है उसको भी मनाओ, और हाथ पकड़ के कहो कि इस बार फैसला राजस्थान के भविष्य का है, इस बार फैसला गरीबों के भविष्य का है, इस बार फैसला बहन बेटियों के सम्मान का है, और इस बार फैसला नए राजस्थान का है। तो चूक मत जाना आरएलपी एसपी के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिता के और उनको ताकत देके भेजना, और फिर गरीबों के बच्चों को किसी के आगे रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं इस बार आपका ये प्यार आशीर्वाद आरएलपी एसपी को मिलने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।